हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर। और जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि इस बार प्रोज और शॉर्ट स्टोरी से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बस केवल मर्चेंट ऑफ वेनिस से ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे उसका हमने आपको कैरेक्टर स्केच बताया है, जिसमें शाइलॉक और एंटोनियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज हम देखते हैं कास्केट सीन का, अगर हम कास्केट सीन के बारे में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो हम इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है कि कास्केट सीन इज द मेन पार्ट ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। कास्केट सीन मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले का एक मुख्य भाग है। और इसके बाद है फ्रेंड्स कि पोर्सियास फादर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अर्थात पोर्सिया के पिता अपने मृत्यु के समय मरते समय लेफ्ट अ विल, एक वसीयत नामा छोड़ गए थे जिसमें इस कास्केट के बारे में मेंशन किया गया है। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है अ स्ट्रेंज टेस्ट फॉर पोर्सियास मैरिज, अर्थात पोर्सिया के विवाह के लिए एक विचित्र परीक्षा। पोर्सिया के विवाह के लिए एक विचित्र परीक्षा। तो इसमें हमने लिखा कि अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ पोर्सियास फादर, अर्थात पोर्सिया के पिता के वसीयत के अनुसार, शी हैड टू मैरी ओनली दैट पर्सन, कि उसे केवल उसी व्यक्ति से विवाह करना था, हु वुड चूज द राइट कास्केट, जो सही कास्केट को चूज कर लेगा, विच कंटेन्स पोर्सियास पिक्चर, जिसमें पोर्सिया की तस्वीर रखी गई है। तो पोर्सिया के पिता के वसीयत के अनुसार पोर्सिया की शादी उसी से होगी जो उस राइट कास्केट को चूज कर लेगा जिसमें पोर्सिया की पिक्चर है। देयर वर थ्री कास्केट्स, यानी कि तीन कास्केट थे, और कास्केट यानी जो सिंगार दान होता है, और एक संदूक कह सकते हैं। देयर वर थ्री कास्केट्स, यानी कि तीन कास्केट थे, इन विच वन इज ऑफ गोल्ड, और जिसमें एक सोने का था, सेकेंड वाज सिल्वर, दूसरा चांदी का था, एंड द थर्ड वाज ऑफ लेड, और तीसरा शीशे का था। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा लास्ट हेडिंग है पोर्सियास सूटर्स। और पोर्सियास सूटर्स का मतलब है पोर्सिया से विवाह करने के लिए जितने भी विवाहार्थी थे, यानी कि पोर्सिया से जितने लोग विवाह करने के इच्छुक थे। तो इसमें पहला है कि देयर वर थ्री सूटर्स ऑफ पोर्सिया। देयर वर थ्री सूटर्स ऑफ पोर्सिया, अर्थात पोर्सिया के तीन विवाहार्थी थे। देयर वर थ्री सूटर्स ऑफ पोर्सिया, पोर्सिया से तीन लोग विवाह करने के इच्छुक थे। प्रिंस ऑफ मोरक्को, अर्थात मोरक्को का राजकुमार, हु चोज गोल्डन कास्केट, जिसने सोने का कास्केट चूज किया। सेकेंड द प्रिंस ऑफ एरेगॉन, और दूसरा एरेगॉन का प्रिंस हु चोज सिल्वर कास्केट, जिसने चांदी का कास्केट चूज किया था। दे बोथ डिड नॉट सक्सीड टू फाइंड आउट द पिक्चर ऑफ पोर्सिया, और वे दोनों ही पोर्सिया की तस्वीर पाने में असफल नहीं रहे। डिड नॉट सक्सीड यानी सफल नहीं हुए। दे बोथ डिड नॉट सक्सीड, वे दोनों सफल नहीं हुए टू फाइंड आउट द पिक्चर ऑफ पोर्सिया, पोर्सिया की तस्वीर पाने में, अर्थात राइट कास्केट चूज करने में। फाइनली बेसेनियो चोज द लेड कास्केट, और अंत में बेसेनियो ने शीशे का कास्केट चूज किया। ही गॉट द पिक्चर ऑफ पोर्सिया, और उसे पोर्सिया की तस्वीर मिल गई। एंड पोर्सिया मैरिज बेसेनियो अकॉर्डिंग टू हर फादर्स विल, और पोर्सिया अपने पिता की वसीयत नामे के अनुसार बेसेनियो से शादी करती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम ये द कास्केट सीन को लिखेंगे। इसका लास्ट हेडिंग था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।